अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और आपकी लाइफ और आपके बच्चों की स्टडी हो, आपकी जॉब और बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल चल रहा होगा, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, जिंदगी में खुशियाँ ही लौट आई होंगी, गम के दिन बीत गए होंगे और आने वाली जिंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी, मैं उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बेल पेपर के बारे में होगा। बेल पेपर की हमने जब सीडलिंग की थी, सीडलिंग से जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी और जब हमने इसको ट्रांसप्लांट किया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये पार्ट 3 है ऑफ बेल पेपर का, मतलब शिमला मिर्च का। तो शिमला मिर्च के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसमें अब तो फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बर्ड लग गए हैं, लेकिन अभी ये छोटे पॉट में ही लगे हुए हैं। मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया, मेरा कोई प्लान नहीं है इनको बड़ी लार्ज स्पेस में शिफ्ट करने का। ये करीब 7-7 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, 7 इंच का कंटेनर है जिसमें ये लगे हुए हैं, तो इसी में इनकी ग्रोथ हो गई है और काफ़ी पत्ते भी इसके बिग साइज़ के हो गए हैं और फ्रूट भी इनको लगने वाला है, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, छोटे छोटे बर्ड लगना शुरू हो गए हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ बहुत जल्द इसको फ्रूट भी लग जाएगा। जब भी मैं वीडियो आप बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब हमने इसकी सीडलिंग की थी तब तो जस्ट सीड ही थे, छोटे छोटे सीड थे। मैंने एक न्यू मेथड यूज़ किया था सीडलिंग के लिए, जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने रेत में, सैंड में इसकी सीडलिंग की थी और मिट्टी में भी की थी, लेकिन मिट्टी वाली मुझे ठीक से याद नहीं है, आई थिंक वो फेल हो गई थी या शायद एक पौधा बच गया था। अगर आपने नहीं देखी, वीडियो के ऊपर ही लेफ्ट साइड पर लिंक आ रहा है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, आप इसके ऊपर क्लिक करके भी रिसेंटली जो भी इनके पार्ट्स थे वो आप वॉच कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और रेत में मैंने सीडलिंग की थी तो रेत का सक्सेसफुल रेट मुझे बहुत अच्छा मिला, रेत के अंदर जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी, रूट की जो डेवलपमेंट थी वो ज़्यादा हुई रेत में, क्योंकि रेत काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है लेकिन वाटर स्टोरेज सिस्टम नहीं होता रेत के अंदर, तो ज़्यादातर सीडलिंग को ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा चाहिए होता है ताकि पानी इकट्ठा ना रहे। जब पानी इकट्ठा रहेगा मिट्टी के अंदर तो मिट्टी को फंगस लग जाएगा और जब फंगस लग जाएगा बीज जो सीड लगाया हमने वो गल जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर से स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होगी, उसके अंदर से जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा रेट तो मुझे मिल गया था, आप पहली वीडियोस वॉच कर लीजिए आपको सब पता चल जाएगा। ये 4 पॉट थे और 4 पॉट में एक एक मैंने बीज लगा, मतलब के जब ट्रांसप्लांट किया था एक एक पौधा लगाया था और एक में मैंने 2 लगा दिए थे, तो इसके एक पॉट के अंदर ही 2 पौधे बन गए हैं, तो दोनों की ही ग्रोथ अच्छी चल रही है और काफ़ी जो बिग साइज के पत्ते भी हो गए हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इसके बीमारी की बात कर ली जाए, क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, फिलहाल तो जून है लेकिन बरसात का जो मानसून की हवाएं हैं, मानसून का जो सीज़न होता है वो इन हो गया है पाकिस्तान में, तो बारिशों का सीज़न आएगा, इस बार बता रहे हैं काफ़ी हद तक बारिशें होंगी, तो मैं चाहता हूं उससे पहले अपने पौधों को प्रोटेक्ट भी कर लूं और जो जो मतलब के जिस पॉट के नीचे ड्रेनेज होल नहीं है वो भी बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा हो जाएगा कंटेनर में तो पौधे की रूट्स बर्न हो सकती हैं, गल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, तो हम नहीं चाहते हमारे पौधों को कुछ हो। तो बरसात के मौसम में ज़्यादातर इनमें प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपके घर में गार्डन है या आपके घर में ज़्यादा मतलब क्यारी बनी हुई है, जिस तरह मैंने अपने बैक साइड पर आप देख रहे हैं लंबी लॉन्ग क्यारी बनाई हुई है मैंने, तो इसके अंदर मिट्टी काफ़ी है, तो मिट्टी काफ़ी नम रहती है, गीली रहती है, तो अक्सर गीली मिट्टी के अंदर स्लग्स कीड़े होते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, इन पॉट्स के अंदर भी उनका इंडिकेट मिलेगा आपको। तो स्लग कीड़े, स्लग अगर आपने नहीं देखा कभी तो पिक्चर देख लीजिए, ये मैं शो करता हूँ आपको, तो ये स्लग होता है, ये स्लग बहुत ख़तरनाक है पौधों के लिए और ख़ास करके वेजिटेबल्स पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। पहले मुझे नहीं मालूम था स्लग्स क्या होते हैं, स्लग के बारे में मुझे इन्फो नहीं थी, तो जब मुझे पता चला जब मैं उनके पास गया स्काई सीड्स वालों के पास, तो बैठे बैठे बात छिड़ गई इसके बारे में, तो उन्होंने कहा स्लग के बारे में आप जानते हैं, मैंने कहा नहीं, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि स्लग क्या होता है तो फिर मैंने कहा हाँ ये तो मेरे घर में भी काफ़ी पाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा इसको किल करें नहीं तो ये
आपके पौधों को डैमेज करेंगे, उनका ट्रंक भी खा जाते हैं, मतलब के काट देते हैं। तो मैंने कहा हाँ, याद आया मेरे ट्रंक्स वाकई ही काफी हद तक जो पौधे थे नन्हे नन्हे उनका ट्रंक कट जाता था। तो मैं परेशान होता था कि ये क्या हो गया, कोई चिड़िया आके काट जाती हैं, परिंदे काट जाते हैं, कुछ समय नहीं लग पाता था। तो उन्होंने कहा ये स्लग का काम होता है, स्लग रात के टाइम निकलते हैं अंधेरे में। मान लीजिए रात जैसे ही ढली 7 से 8 बजे जब सूरज गरूब हो जाता है तो उसके बाद स्लग बाहर निकलते हैं मिट्टी के अंदर से ही, नम मिट्टी के अंदर से निकलते हैं और पौधों के ऊपर अटैक करते हैं, पत्तों को भी खाते हैं, उनके अंदर सुराख कर देते हैं, होल्स कर देते हैं और ट्रंक को भी काट देते हैं, जो उनके बस में हो वो काट देते हैं, वो किसी पर रहम नहीं करते। तो हमें भी उनके ऊपर, कीड़ों के ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने स्काई सीड वालों ने मुझे एक स्लग किलर दिया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए ये स्लग किलर है, स्लग कीड़ा बहुत खतरनाक होता है ये पौधों के लिए। तो ये बेसिकली ये इसकी फीड है, जो स्लग होते हैं उनकी ये फीड है, इनको ये बहुत शौक से खाते हैं। तो इन्होंने सीड्स के साथ, मतलब इनकी फीड के दाने होते हैं जो, उनके साथ कुछ पॉइजन मिक्स कर लिया, कुछ जहर लगा दिया उनको। जैसे ही स्लग इनको खाते हैं तो वो मरते जाएंगे। तो बहुत ईजी टू यूज़ है ये, जस्ट इसको ओपन किया और ये देखिए मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरह के दाने से होते हैं, जिस तरह हम अपने फिश को फीड करवाते हैं ना, उस टाइप की फीड होती है, स्मेल भी उसी टाइप की होती है, जिस तरह फिश की फीड होती है ना उसी टाइप की, आई थिंक वही होते होंगे ये। तो इनके ऊपर जो रेड रेड उन्होंने कलर लगाया हुआ है, इसके साथ जहर भी लगाया हुआ है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है, इसको आप जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट के लिए पानी के अंदर सोक कर दें, मतलब पानी के अंदर भिगो दीजिए, और जैसे ही 5 या 10 मिनट के बाद ये फूल जाएंगे, इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो दानों का साइज़। तो इनको आप स्प्रिंकल कर दीजिए अपनी क्यारी में, अपने पॉट में, जहाँ भी आप चाहते हैं कि इनको कीड़े वहाँ हों। तो उनको बेसिकली नज़र नहीं आते स्लग, हम जब फीड डालते हैं तो हमें पता नहीं होता इस एरिया में स्लग हैं या नहीं। वेल, हम फेंक देते हैं तो रात जैसे ही होती है खुशबू से ही वो उनकी तरफ आते हैं। जब इनकी स्मेल निकलती है, जो इसकी फीड है इसमें से स्मेल निकलती है, जो स्लग को भाती है बहुत और उनको अपनी तरफ खींचती है। तो जैसे ही वो उनकी तरफ आते हैं तो स्लग खाने की कोशिश करते हैं, उनको बाइट करते हैं, तो उनको जहर भी उनके साथ ही खाया जाता है, तो वो मर जाते हैं, वहीं के वहीं मर जाएंगे। मैंने बहुत से मारे हैं और बहुत, अभी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर भी उनका जो कवर होता है, जो बाहर वाला होल होता है जिसको सिब्बी बोलते हैं उस टाइप का, वो आपको शो करवाता हूँ। तो ये आप स्लग किलर मेडिसन उनसे मंगवा सकते हैं स्काई सीड्स वालों के पास। तो स्काई सीड पर ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं। वेल, तो अब इसके पास चलते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, पहले चाय का एक सिप ले लूँ मैं। आपके लिए एक बात भी बतानी है कि कुछ ऐसा यूज़ करने से पहले आप अपने हेयर एंड देर कोई खाने पीने की चीज़ ना हो, अगर आपने किसी किस्म का पेस्टिसाइड स्प्रे या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, पूरी तरह से प्रोटेक्ट होना चाहिए, स्प्रे करनी है तो आपके मुंह के ऊपर भी मास्क होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेल, मुझे मालूम था मैं चाय भी पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको ओपन करके आपको दिखाया, अपने हाथ के साथ टच भी किया इसको, लेकिन मैं इस हाथ से चाय नहीं पी रहा, मैं बहुत फोकस रखता हूँ ऐसे कामों में कि हमारी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ी सी भूल और बहुत प्रॉब्लम कर सकती है हमारी फ्यूचर लाइफ में। वेल, बहुत ध्यान से कीजिए, आप गौर कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, होश नहीं खोना आपने, जब होश खो बैठेंगे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वेल, होश नहीं खोया मैंने। ठंडी हवा चल रही है आज, मज़ा आ रहा है, बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हवा में जो तपश थी वो कम हो गई है, हीटनेस कम हो गई है। ओके, अब आपको दिखाता हूँ मैं करीब से। ओके दोस्तों, कहाँ से शुरू करूँ, चले यहाँ से शुरू करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, पॉट के अंदर ही लगा हुआ बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये आपको रूट्स भी दिख रही होंगी, ये आउट ऑफ सॉइल हो रही हैं, मतलब मिट्टी से बाहर हो रही हैं। तो
ऐसे में हम पोर्ट चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसके पोर्ट चेंज तो हमें करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करने वाला, मैं इसी में रहने दूंगा क्योंकि मेरे पास बड़े पोर्ट नहीं है और मैंने कौन सा ये चार पौधों में से शिमला मिर्च उतार के अपने किचन में यूज़ करनी है। ये जस्ट आर्टिफिशियल बनाया हुआ है मैंने, मतलब कि वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए, आपको गाइडलाइन देने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता गार्डनिंग करना, ये जस्ट आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैंने ये ग्रो किए थे, सीडलिंग की थी। वेल, और ये लार्ज स्पेस अगर आपके पास हो तो आप इसको बड़े कंटेनर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी स्पेस होगी उतना ज़्यादा फ्रूट लगेगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी पौधे की। अब इसके अंदर रूट बाउंडिंग भी हुई होगी, ज़रूर रूट बाउंडिंग हो गई होगी, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। एक और भी तरीका होता है रूट बाउंडिंग को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि इसके अंदर रूट जो बहुत डेवलप हो गई होंगी इसकी, उसको ख़त्म करने का वाहिद तरीका ये होता है कि अगर आपने इसको शिफ्ट नहीं करना, ना रिपोर्ट करना है, तो इसकी गुड़ाई कर दी जाए। गुड़ाई करने से दो बेनिफिट होते हैं हमें कि एक तो पानी की जो वाटर स्टोरेज होती है वो भी बढ़ जाती है, मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाती है, और जो रूट्स होती हैं, एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, वो भी कट जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं। इस टूल की मदद से हम जब गुड़ाई करेंगे वो टूट जाएंगी रूट, तो इसका मतलब होगा जो काफ़ी सारी रूट्स इसकी टूट जाएंगी तो पौधे को थोड़ा सा रिलैक्स हो मिल जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा अपनी न्यू ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो गुड़ाई हम कर सकते हैं लेकिन मैं अभी गुड़ाई नहीं करूँगा, अभी अगला पौधा आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। वेल, इसको ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये देखिए छोटे छोटे बर्ड लगना शुरू हो गए हैं, ये देखिए आपको शायद दिख रहे हो, बिल्कुल नन्हे नन्हे से बर्ड्स हैं। तो इनकी ग्रोथ, न्यू लीव्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इनकी ग्रोथ जो अच्छी चल रही है। अगले पौधे दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर काफ़ी बड़े बर्ड भी लगे हुए हैं। वेल, ये ग्रोथ अच्छी है, देखें कितने कितने बड़े पत्ते हो गए हैं, और पत्ते ही पत्ते हैं, ग्रीन ओवर ग्रीन पत्ते हैं, डैमेज एक भी पत्ता आपको डैमेज नहीं दिखेगा। ये क्यों होता है अभी बताता हूँ आपको। मैंने अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में ना हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और ना जल्दी पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करते हैं, आप समझ रहे हैं ना। ओके, अब इसको मैं एक को मैं रखता हूँ नीचे, और ये देखिए ये वाले की, इसके अंदर देखिए इसका ट्रंक कुछ झुका हुआ, एक साइड को बेंड हो गया था, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं है, वो वैसे का वैसे ही ग्रोथ कर रहा है। वेल, अभी करने देते हैं, इसको छेड़ते नहीं हैं। और ये देखिए मिट्टी के अंदर एक स्लग आपको दिख रहा है, ये स्लग है, इसकी बात कर रहा था मैं, ये स्लग बहुत ख़तरनाक है आपके पौधों के ट्रंक के लिए, आपका ट्रंक काट भी सकता है, ब्रांचेस को डैमेज भी कर सकता है और लीव्स में होल भी कर सकता है। वेल, ये अभी इसका कवर है, ओनली कवर है, ये मैंने मेडिसिन इसके अंदर फेंकी हुई थी, स्प्रिंकल कर दी थी, लेकिन जहाँ जहाँ वो गिरी होगी तो उनकी स्मेल ही ऐसी होती है कि जो कीड़े होते हैं वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, तो जैसे ही इसने उसको खाया होगा तो ये वहीं का वहीं मर गया होगा। ये जस्ट ओनली छिलका ही है, इसके अंदर कोई स्लग नहीं है। ये देखिए इसके अंदर अभी पानी भी मौजूद था, तो इसको इसको चींटियां भी खाती हैं बहुत शौक से, चींटियां जब इसको देख लेती हैं तो इसके ऊपर अटैक करती हैं, तो उससे हिला नहीं जाता, तो चींटियां इसको काट काट कर ही मार देती हैं और बाद में इसको खाना शुरू कर देती हैं। अब ये भी आप देखिए इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा मॉस आपको फील हो रहा होगा। अक्सर होता है कि जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं या हमारे सॉइल की ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता तो पानी खड़ा हो जाता है मिट्टी के सरफेस एरिया पर, तो अगर हम टाइम पर उसकी गुड़ाई ना करें या पानी को चेंज ना करें, मतलब पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना बनाएं, तो उसके ऊपर मॉस सी उग जाती है, जो ये अक्सर बरसात के मौसम में होता है, सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में। तो इसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो, अगर हम मान लीजिए अभी पूरी की पूरी लेयर, जिस तरह ये लेयर बन रही है ना, ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है, अगर ये पूरी लेयर ही ग्रीन हो जाए तो ये एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर मॉस की, और जब हम पानी देंगे तो पानी ऊपर वाली ही सरफेस एरिया पर ही पानी इकट्ठा रहेगा, नीचे ड्रेनेज होल से नीचे भी नहीं जाएगा, और ना इसका मिट्टी के अंदर मिट्टी सक नहीं कर सकेगी, और पानी ऊपर का ऊपर खड़ा रहेगा, तो पानी रूट जो है पौधे की वो ड्राई होंगी, तो ऐसे में आपके पौधे के लिए, पौधे की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पौधा मर भी सकता है, रूट्स जो हैं वो ड्राई होने की वजह से किल भी हो सकती हैं। तो इसको टाइम टू टाइम गुड़ाई भी कर दें,
बेसिकली जितने भी वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं उनकी हम गुड़ाई नहीं करते, उनकी मिट्टी को सॉफ्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है जितनी रूट्स होंगी उतनी ही ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी पौधे की, और वेजिटेबल्स को फ्लावर भी ज़्यादा लगेंगे और फूड भी ज़्यादा लगेगा। तो समटाइम सम केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें गुड़ाई करना कंपल्सरी हो जाता है, कि हमें ज़रूरी होता है कि हम गुड़ाई करें, क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधे की लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हल्का हल्का सा आप गुड़ाई कर दीजिए। ये अभी मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है, बल्कि आई थिंक सोगी है, काफ़ी सोगी है, वेट है, सोगी है। तो सोगी जो सॉयल होगी उसके अंदर हम गुड़ाई नहीं करेंगे। जब थोड़ा थोड़ा ड्राईनेस हो उसके ऊपर, सरफेस एरिया थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो हम गुड़ाई करें तो बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है। ओके दोस्तों, अब इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब ट्रंक देखिए कितना थिक हो गया है, काफ़ी मोटा होता चला जा रहा है, और इसके ऊपर देखिए कितनी ब्रांचेस भी इसकी ग्रोथ कर रही हैं। ये पत्ते इसके नए निकल रहे हैं, इसके अंदर बर्ड जो हैं काफ़ी बिग साइज के बर्डिंग हो रही है इनके अंदर, और ये बहुत जल्द फ्लावरिंग पर भी आने वाला है। ये फ्लावर खिलने वाला है और 4 से 5 रोज में ये फ्लावर कम्प्लीटली खिल जाएगा, और जब फ्लावर खिल जाएगा उसके बाद उसके अंदर से एक बर्ड निकलेगा जो फ्रूट की शक्ल में होगा, और वो फ्रूटिंग पर आ जाएगा, मतलब वो शिमला मिर्च बनना शुरू हो जाएगी। एक ये भी देखिए काफ़ी ये छिपा हुआ है अंदर, इसका ये फ्लावर बन रहा है, ये कुछ दिनों में ये खिल जाएगा, पूरी तरह से ब्लूमिंग पर आ जाएगा, और उसके बाद ये मिर्च पर भी बन जाएगा। और ये देखिए ये छुपा रुस्तम, एक ये भी है, हाँ मुझे तो दिखा ही नहीं पहले, ना मैंने पहले देखा था। वेल ये देखिए ये वाइट कलर का है, ये आई थिंक कल तक ये खिल जाएगा, पत्तियाँ इसकी, पेटल्स इसकी ओपन हो जाएंगी, उसके बाद इसके अंदर से शिमला मिर्च बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी है, ये देखिए। और वेजिटेबल्स प्लांट में जो भी वीड्स उग जाएं, मतलब घास ऑटोमेटिकली जो खुद ही उग जाती है, तो उसको आप उखाड़ दिया करें, नहीं तो सारी पावर वो आपके प्लांट की सक कर लेता है। तो इसलिए जो बोनसाई होते हैं, बोनसाई में आप उगने दिया करें तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो घास होती है, मतलब गमले के अंदर लगे हुए वेजिटेबल्स प्लांट, जो हम गमले में जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, अगर इसके अंदर घास उग जाएगी तो वो सारी पावर सक करती चली जाएगी, मिट्टी की पावर सक करेगी, मिट्टी का मॉइस्ट सक करेगी वीड, मतलब घास, तो इस प्लांट को पावर नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं, उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसलिए आप जो भी आपको घास उगी हुई दिखे उसको उखाड़ दिया करें। ये देखिए एक स्लग ये भी है, आई थिंक ये भी डेड है, हाँ ये कवर है उसका, ओनली कवर है। तो आप स्लग से ज़रूर अपने पौधों को प्रोटेक्ट करें, नहीं तो वो किल हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। ये देखिए हम नहीं चाहते हमारे पौधों को कुछ हो। तो काफ़ी हैं, बहुत मेरी क्यारी में बहुत ज़्यादा हैं, इसके बच्चे भी बहुत हैं जो सिब्बी की शक्ल में होते हैं। वेल इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, इसमें देखिए कितने बर्ड हैं, 1, 2, 2 और वेल अभी ये काफ़ी छोटा है। ये देखिए एक ये भी नन्ना सा बर्ड बन रहा है, बहुत जल्दी ये भर जाएगा फूलों से, और उसके बाद हरी मिर्चें भी लगना शुरू हो जाएंगी। वेल घबराइए नहीं, आप घबराया मत करें कि फ्लावर नहीं लग रहे, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसका फ्रूट नहीं लग रहा, क्या रीज़न है, क्या फर्टिलाइज़र दें, भाई सारा कुछ हो जाएगा, जस्ट आप पानी पर फोकस रखा करें, ओवर वाटर ना किया करें। और जो मैंने आपको ये आज टिप बताई है, मॉस एरिया जो कवर कर लेता है आपके पूरी सरफेस एरिया को, मिट्टी को, तो उसको उखाड़ने के लिए बेहतरीन तरीका यही होता है, थोड़ी सी मिट्टी जब ड्राई हो जाए, ऊपर वाला सरफेस एरिया इसका ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे ये जो मॉस है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, तो बारीक होने से वो किल हो जाता है, मॉस किल हो जाती है, इससे आपका जो पानी का स्टोरेज सिस्टम है वो बेहतर बन जाता है, मिट्टी के अंदर तक पानी जा सकता है। इस पॉट में 2 उगे हुए थे, 2 प्लांट हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं, ग्रोथ भी इसकी अच्छी चल रही है, और इसके अंदर बडिंग अभी बडिंग बहुत छोटे हैं, बर्ड बहुत छोटे हैं, आई थिंक है ही नहीं। वेल बहुत जल्दी ये शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है, गर्मी का मौसम अब गुजर रहा है, मतलब जो गर्म लहरें हवा चलती थी वो मौसम अब बीत रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जुलाई के एंड में, अगस्त के स्टार्ट में काफ़ी हद तक जो ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, उससे हमारे पौधों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। वाटर फ्लो ज़्यादा होता है, वाटर फ्लो की बहुत हम तारीफ करें वो भी कम है, क्योंकि वाटर फ्लो में पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। वाटर फ्लो मीन के
पानी अप डाउन ज्यादा होता है पौधों की, जिस तरह ये ब्रांच है इसके अंदर पानी का वाटर फ्लो ज्यादा होगा जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी हवा में। आप समझ रहे हैं बरसात के मौसम में काफी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी हवा के अंदर, तो वाटर फ्लो भी इन आउट ज्यादा होगा। इन आउट जब ज्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर काफी बर्दाश्त की पावर बन गई है, काफी बर्दाश्त कर सकते हैं ये गर्मी को। इसलिए अगर हम इसको काट के अलग से इंडिविजुअली पॉट के अंदर लगा देंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे कटिंग को, तो उसकी थ्रू भी पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफी होगी, वाटर फ्लो काफी होगा, अप डाउन हो रहा होगा, जल्दी स्टेम्प जल्दी आपकी कटिंग ड्राई नहीं होगी, उसका मॉइस्ट ड्राई नहीं होगा, तो वो पौधे की शक्ल जल्दी अख्तियार कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही हो। अगर आप बड़े पॉट में लार्ज स्पेस में इसको शिफ्ट कर दें तो बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ और भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा ये बडिंग भी करेंगे और ज़्यादा फ्लावर भी इसको लगेंगे और फ्रूट भी लगेगा। और इनके ऊपर स्प्रे मत कीजिएगा अभी किसी किस्म का, गर्मी के सीज़न में स्प्रे नहीं करना आपने, बरसात के मौसम में ज़रूरत हमें पड़ेगी, बरसात के मौसम में स्पाइडर माइट भी हमला करेंगे और एफर्ट्स भी होते हैं, ब्लैक तेला, काला तेला भी उसको बोलते हैं एफर्ट्स को, एफर्ट्स भी हमला करेंगे। तो जब जब हमला करें आप ऑर्गेनिक मेटल यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक मेटल के होममेड पेस्टिसाइड स्प्रे आपने कैसे बनाना है मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप पेस्टिसाइड के फर्टिलाइज़र की प्लेलिस्ट में जाएं और आपको सारे पेस्टिसाइड स्प्रे और फर्टिलाइज़र की डिटेल वहां से मिल जाएगी, आप उसको वॉच कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए अपने पौधों के ऊपर। अगले महीने के लिए तैयार हो जाइए, बरसात के मौसम के लिए कटिंग्स भी लगाएंगे हम और लेयरिंग भी करेंगे और हम ग्राफ्टिंग भी करने की कोशिश करेंगे। वेल, अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।